हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल ड्रीम्स। सो इस ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ अमेरिका का अपना सबसे लंबा रोड ट्रिप करने, जो कि थाउजेंड्स ऑफ माइल का रोड ट्रिप है वन वे। सो आई थिंक मोर देन 2,000-3,000 माइल आएगा इस ट्रिप पे। और जिस सिटी में जा रहा हूँ, जिस स्टेट में मैं जा रहा हूँ, स्टेट को सनशाइन स्टेट भी कहते हैं। सो मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया, मैं जा रहा हूँ न्यू जर्सी से फ्लोरिडा। सो फ्लोरिडा में मैं जा रहा हूँ कवर करने मायामी बीच जा रहा हूँ, मैं एवरग्लेड्स जा रहा हूँ, की वेस्ट जा रहा हूँ, देन फ्लोरिडा मैं नासा जा रहा हूँ। तो मैं आपको पूरी इस ट्रिप की पूरी डिटेल दूंगा, बट विल सी। मैं अभी ड्राइव स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मुझे लेट हो चुका है घर से निकलते हुए। सो मैं अभी ड्राइव स्टार्ट करता हूँ, देन आप रास्ता में आपको न्यू अपडेट देता रहूँगा। सीखा? यू एक्साइटेड? यस, ऑफ कोर्स। वी आर गोइंग टू मायामी। मायामी एंड आल्सो इट्स लाइक वी आर गोइंग नो समथिंग न्यू, लाइक या लंबी रोड ट्रिप। वी आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग द आरवी नहीं है एक्चुअली, बट या एक्चुअली इस ट्रिप में हमने एक आरवी स्टे भी लिया है, जो मैं इसका मैं अपडेट आपको दूंगा। तो ये जो टोटल ट्रिप है, ये टोटल 10 डेज का ट्रिप है, जिसमें 3 डेज मुझे आने जाने में लग रहा है और बाकी 7 डेज का टोटल अट्रैक्शन का ट्रिप है। इसका डिटेल मैं पूरी डिटेल में दूंगा, जानकारी पूरी डिटेल में दूंगा, बताऊंगा आपको। अपने ट्रिप स्टार्ट करता हूं, मैं आपको पूरा अपडेट देता रहूंगा इस ट्रिप का। तो हम अभी वॉलमार्ट के बाहर है, आउटसाइड है, एंड आप अभी हमारा कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, लाइक कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली ये हमारा सबसे लंबा ट्रिप है, अराउंड 10 डेज का ट्रिप है। सो ये सबसे हमारा फर्स्ट ट्रिप है जो इतनी लंबी होने वाली है। तो आपको मैं धीरे धीरे बताऊँगी या अमित बताएगा कि क्या आपको कुछ सामान जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रिप में, जो एटलीस्ट आपको वो चीज़ें रखनी चाहिए, वो भी हम बताएँगे आपको। So let's go to Walmart. This is our first trip. So यहाँ पे मैं ट्रिप मीटर पे सेट कर दिया है। तो एक्चुअली मैं देखा तो इस ट्रिप पे मैं कितना माइल कवर करता हूँ, इसलिए मैंने ट्रिप पे ए को क्या किया है, जीरो कर दिया। हालांकि अभी तक मैंने 15 माइल कवर कर चुका, 15 से 20 माइल्स। अभी सडनली मेरे माइंड में क्लिक आया कि मैं इसको ट्रिप ए को सेट करता हूँ जीरो पे, ताकि मैं देख सकूँ कितना माइल कवर हो रहा है इस पूरे ट्रिप पे। अभी मैं हूँ US-1 हाईवे पे। सो अभी तो बस मैंने हाफ एन आवर ही कवर किया, बिकॉज वॉलमार्ट के बाद अभी हाफ एन आवर ही कवर हुआ है। सो US-1 हाईवे से अभी यहाँ से निकलते हुए जाना न्यूयॉर्क पे, न्यूयॉर्क से फिर कवर न्यूयॉर्क स्टेट को मैनहट्टन होते हुए हमें निकलना है, फिर इधर क्या मैनहट्टन होते हुए हम निकलेंगे मैरीलैंड, एंड देन मैरीलैंड से फिर वर्जीनिया, वर्जीनिया से नॉर्थ वर्जीनिया, साउथ वर्जीनिया, एंड देन वी हैव टू गो टू नॉर्थ कैरोलिना, जहाँ पे हमने उसका होटल लिया है। So how many states we are cover? I don't know, New York, New Jersey to New York, New York to Maryland, Maryland to Virginia, okay, Virginia to South Carolina, they have North Five. Carolina. Five states we are going to cover today. Yay! So अभी मैं US-1 पे ही हूँ। So यहाँ पे next 4 mile तक जाम लगा हुआ है, क्योंकि कुछ लगता है एक्सीडेंट हुआ है। गूगल ने एक्चुअली अभी बताया कि 10 मिनट का स्लो डाउन यहाँ पे है। सो स्लो डाउन तो यहाँ मेन मोस्टली दो रीजन का, या तो हाईवे में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कुछ बन रहा हो, या फिर एक्सीडेंट हुआ हो। तो एक्चुअली यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होती है हाईवे पे वो रात में होती है, ताकि ट्रैफिक कम से कम डिस्टर्ब हो सको, तो ज़्यादा चांस हो सके तो ज़्यादा चांसेस यही है कि आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है। विल सी। ये निकला हमारा देखा पॉपकॉर्न, पहला खाना गाड़ी में। टाइम पास होना चाहिए ना सिखा का। मैं तो ड्राइविंग में मस्त हूँ। So, अभी हम पहुँच चुके हैं डेलावेयर में, और ये है डेलावेयर का ब्रिज, जो न्यू जर्सी को डेलावेयर से कनेक्ट करता है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं नदी है, जो नीचे उस साइड किसी का दिखा उस साइड, तो वो उससे पूरा नदी है, और न्यू जर्सी को डेलावेयर से कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया गया, डेलावेयर ब्रिज। बहुत बड़ा दिल्ली ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत है भैया, जो उसको बहुत ही खूबसूरत है।
डेलावेयर को क्रॉस करते हुए मैं अभी आ चुका हूँ मैरीलैंड में। मैं मैरीलैंड के अभी बाल्टीमोर सिटी में हूँ और मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी बाल्टीमोर हार्बर टनल पे, जो कि पूरा टनल नदी के अंदर बनाया गया है। पूरे टनल नदी के अंदर है ये, और ये इंटरस्टेट I-895 पे है। वर्जीनिया में, सो ऑल द वे टू वाशिंगटन डीसी कवर करते हैं। मैं पहुंच गया वर्जीनिया में। यहाँ बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बहुत स्पीड में रेन हो रहा है। सो एक्चुअली मैं क्या होता है कि बिकॉज अभी कुछ दिन से क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत समय गर्मी पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हमें घर में एसी चलाना पड़ रहा था। तो मुझे लगा था आज का वेदर अच्छा गर्मी वाला वेदर होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये बारिश वाला वेदर निकल गया। होप्स हो कि हमारा जो लंबा ट्रिप है उसमें अच्छा वेदर हो, बट दैट्स फाइन। ओके, अभी देख सकते आगे यहाँ पे गाड़ी सब बहुत स्लो हो गई है क्योंकि हाई स्पीड यहाँ पे ज़्यादा रेन होने के कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाता है, इसलिए सब स्लो हो गई है। इसलिए लेट मी फोकस ऑन द ड्राइविंग। और क्या, तो अभी सभी कार बिल्कुल स्लो हो गई है। मैं सामने वाले ने तो हजार लाइट दे दिया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बारिश होती है तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए लोग स्लो कर देते हैं। और ऐसा कंडीशन में क्या होता है, यहाँ का लॉ कहता है कि आप कार के एक कार दूसरे कार डिस्टेंस बढ़ाइए, कम से तीन चार कार का डिस्टेंस रखिए, क्योंकि ब्रेक भी स्लो लगता है हमारे इसमें। सो अभी मैं हूँ वर्जीनिया में, और यहाँ से वर्जीनिया के बाद जस्ट 50-30 माइल्स पे आएगा नॉर्थ कैरोलिना, जहाँ मैंने अपना होटल लिया है। सो मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 2 o'clock, अभी हो चुका है रात का 9:15 बाकी है। सो एक्चुअली आज के दिन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके कारण 45 मिनट्स का एक जगह वेट टाइम था। इतना ज़्यादा टाइम 45 मिनट हमें ट्रैफिक में रहना पड़ा। और आज पता नहीं हो सकता है कि ये मुझे अभी लग रहा है कि बिकॉज अभी लॉन्ग हॉलीडे आने वाला मेमोरियल डे का, और सबको वैक्सीन यहाँ यूएस में मिल चुका है, तो पीपल लाइक टू सेलिब्रेट दिस, आई मीन दे वांट टू गो आउटसाइड, बिकॉज लास्ट टू ईयर्स हमने कही थे ये कोरोना वायरस के कारण हम घर में ही थे। तो अभी यूएस में क्या हो चुका है, सब पूरा है मास्क वैक्सीनेटेड हो चुका है, सबको वैक्सीन लग चुका है मोस्ट ऑफ पीपल को, इसलिए लोग अभी लॉन्ग हॉलीडे पहला लॉन्ग हॉलीडे वैक्सीन के बाद, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं इन्जॉय करने, इसलिए भी ट्रैफिक हो सकता है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। सो फिलहाल अभी मैं 2 hours 20 minutes के बाद मैं पहुँचूँगा अपने रूम में, होटल में 11:05 दिखा, रात के 11:05 में होटल पहुँचूँगा, और कल फिर मुझे निकलना है। एक्चुअली मैं कुछ ट्रिप के बारे में बताता हूँ, क्या प्लान है इस ट्रिप में। तो आज जैसे मैंने स्टार्ट किया है, तो आज मैं जहाँ रुक रहा हूँ नॉर्थ कैरोलिना में, मुझे यहाँ जाना सीधे फ्लोरिडा, पहला मैं स्टॉप ऑरलैंडो में, जहाँ मैं नासा कवर करने वाला हूँ। तो एक दिन में ओरलैंडो यहाँ से 17 hours था, तो वन डे में कवर कर पाया 70 hours तो थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने क्या किया कि फर्स्ट डे मैंने 7 hours रखा और नेक्स्ट डे 10 hours रखा। सो अभी 7 hours कवर करके पहुँचूंगा नॉर्थ कैरोलिना, और नेक्स्ट डे 10 hours कवर करके पहुँचूंगा ओरलैंडो, जहाँ पे मैं स्टे करूँगा कल। और संडे को मैं जा रहा हूँ नासा ओरलैंडो में। तो संडे के बाद मेरा जो मंडे है वहाँ प्लान है मुझे की वेस्ट जाने का, तो मैं ओरलैंडो डायरेक्टली की वेस्ट जा रहा हूँ, और मैं आपको बताऊंगा ये अट्रैक्शन क्या है, पूरा डिटेल दूंगा इस अट्रैक्शन के बारे में, और ऑन द डे बेसिस जिस डे पे मैं जहाँ जाऊँगा उसको पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और फिर ट्यूजडे मेरा प्लान है कि पूरा मियामी को रोम करना, मियामी में जो भी अट्रैक्शन उनको कवर करना, और वेडनेसडे में जा रहा हूँ ये मियामी बीच, वहाँ मैं फुल डे मियामी बीच पर स्पेंड करूँगा, और रात में नाइट क्लब जाऊँगा मियामी बीच का। और फिर थर्सडे को मैं फिर ओरलैंडो आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं डेटोना बीच कवर करने वाला हूँ, और मैं फिर ओरलैंडो में रुकूंगा नहीं, थर्सडे को मैं होते हुए मैं चला जाऊँगा डेस्टिन फ्लोरिडा, जो मेरा नेक्स्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्रैब आइलैंड। और फिर डेस्टिन के बाद मेरा लास्ट डे शनिवार का जो अट्रैक्शन है वो है जॉर्जिया, जहाँ मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड कोला एंड जॉर्जिया एक्वेरियम, एंड देन फिर आफ्टर नेक्स्ट डे मैं बैक टू न्यू जर्सी। तो ये था पूरा प्लान इस ट्रिप का, और मैं आपको डिटेल दूंगा इसके बारे में, मैंने पहले ही बताया था हर एक वीडियो में कि जैसे जैसे स्टार्ट होगा पर डे हिसाब से जहाँ मैं जाऊँगा उसके बारे में पूरा डिटेल दूंगा। इसके लिए आप ये वीडियो से बने रहे, और सारा सब ये 10 डे ट्रिप एक वीडियो में पोस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं मल्टीपल वीडियो पोस्ट करूँगा इसके लिए। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग ड्राइव तो बस आई थिंक 6.5 आवर का था, पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि वो 6.5 आवर 8-9 आवर बन गया। बट फाइनली आई एम हियर इन माय होटल्स जहाँ मैं एक नाइट के लिए स्टे कर रहा हूँ, 2 नाइट के लिए। अब देखो कल ये नॉर्थ कैरोलिना में जहाँ मैं रॉकी माउंट सिटी है वहाँ पे मैंने स्टे कर रहा हूँ। तो ये जो होटल है वो रेड कारपेट इन है, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा है $55 विद टैक्स। एंड दिस इज़ प्रीटी डिसेंट रूम, यू कैन सी यहाँ माइक्रोवेवन है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी दिया है, 2 बेड दिया है, बाथरूम है। एंड देन सो कल मुझे फिर सुबह 6 o'clock स्टार्ट करना है ओरलैंडो फ्लोरिडा के लिए, जो यहाँ से एक्चुअली 10 आवर का ड्राइव है। सो कल मैं प्लान है कि अभी तो पहुँचते हैं रात का 11:30 हो गया, अभी खाना खाऊंगा, सोऊंगा, फिर सोच से 12 बज जाएगा। सो कल ट्राई करते हैं कि 8 o'clock स्टार्ट करें ताकि कल शाम तक हम ओरलैंडो पहुँच जाए। सो एक्चुअली हमारी जो एक्टिविटी शुरू होगा परसों से नासा, सो संडे हम नासा जा रहे हैं, तब से हमारा अभी तो सही ड्राइविंग में ही दिन बीत रहा है। मेन जो स्टार्ट होगा नासा, देन की वेस्ट, देन मायामी, देन डेटोना, देन क्रैब आइलैंड, देन जॉर्जिया। सो या आई विल अपडेट यू। सो फॉर टुडे आज के लिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आज के लिए मैं यही बंद करता हूँ। टुमारो मिलते हैं मॉर्निंग में। ओके सो गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं, इट्स अराउंड 8:45 एंड आफ्टर दैट आज हमें फिर से वापस, आज पूरे दिन का ड्राइव है, सो इट्स वेरी हेक्टिक फॉर मी। एंड सो लेट्स सी, थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे और थोड़ा आराम से बातें एंड म्यूज़िक के साथ जाएंगे। सो इट्स अराउंड 9.5 आवर्स का पूरा ट्रैवल है, बट आई नो 12 आवर्स तो मिनिमम होने ही वाली है, बट थिंक पॉजिटिव। सो ओके एंड टुमारो वी हैव प्लान फॉर नासा, राइट? यस। सो वी आर गोइंग टुमारो नासा, सो इट्स लाइक यू नो, जब मैं छोटी थी तब से मैं सोचती थी कि नासा, कभी मैं नासा जा पाऊँगी क्या। सो आई एम वेरी हैप्पी, लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट्स आई एम गोइंग टू नासा, इवन मुझसे मेरी फैमिली एक्साइटेड है। So I'm very happy for tomorrow trip, not today trip. Today is gonna be very boring because whole day in car. But it's okay. It's a ये ही थोड़ा अलग enjoyment है, right? So okay, let's go. My driver. Okay, so. कल जो मैंने टोटल माइल्स कवर किया था वो 379.6 माइल्स है, जो कि ओडोमीटर में दिखा रहा है कार का, बिकॉज मैंने ट्रिप सेट कर दिया था। तो मैं देखना चाहता हूँ इस पूरे ट्रिप में मैं कितना माइल्स कवर करता हूँ। एक्सपेक्टेड ये है कि इस पूरे ट्रिप में मैं 2500 से ऊपर माइल कवर करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं कार का फिर अभी क्या बोलते हैं माइलेज है, वो माइल्स रीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस ट्रिप में। सो ओके विल स्टार्ट। आज तो जो मैप दिखा रहा है वो कितना माइल्स दिखा रहा है, कितना माइल कवर करना है। टुडे हमें जो कवर करना है वो है 647 miles we have to cover today. That means 647 on 11, non-total 1200. तो वो तो बताइए, miles same तो ही रहेगा, कहीं ना कहीं रुकेंगे यहीं पर। सबसे लंबा स्ट्रेट ड्राइव 476 माइल का ही होने वाला है, स्ट्रेट ड्राइव टू 476 माइल्स। सो ये जो हाईवे है ये I-95 साउथ हाईवे है। डेटोना बीच
6:26 तक होटल पहुंच जा रहे हैं, इसलिए हमने प्लान किया कि डिडोना बीच एक बार देख ले जाएगा कैसा है डिडोना बीच। वर्ल्ड सुनिए, डिडोना बीच आपको पता होगा तो वर्ल्ड फेमस बीच है, डिडोना बीच पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है डिडोना बीच। तो हम पहली बार जा रहे हैं, विल सी, देखते हैं कैसा लगा डिडोना बीच। आई विल ऑल्सो शो यू द डिडोना बीच इन द इवनिंग टुडे। और जंप भी कर लेंगे। क्या जंप करोगी? पहले जाके अच्छा पानी में, अच्छा बीच पे, अच्छा ओके, तभी तो मजा है यार। अभी हम लोग इंटर किए हैं सवाना वाले हाईवे पे। सो आगे देखो सवाना 171 माइल। और आपको सवाना के बारे में नहीं पता है, मगर तो सवाना जो है नॉर्थ कैरोलिना में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। वहाँ पे बीचेज बहुत ब्यूटीफुल बीचेज है, वहाँ की जो स्ट्रीट्स है बहुत ही ब्यूटीफुल है। हालांकि मैं कभी सवाना गया नहीं हूँ, सो हालांकि मेरा प्लान तो था इस ट्रिप में सवाना कवर करने का, बट एक्चुअली हमारा ट्रिप एक्चुअली ऑलरेडी 10 दिन का हो चुका है, तभी सब कुछ तो हम एक ट्रिप पर कवर कर नहीं सकते हैं। प्रॉब्ली विल कम नेक्स्ट टाइम, बट एज ऑफ नाउ अभी टाइम 12 o'clock हो रहा है, अभी भी हमें 5 hours 40 minutes ड्राइव करना है डिडोना बीच। ओके, देन विल रीच, हम लोग पहुँचे डिडोना बीच अराउंड 5:45, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट टू द होटल। और अभी हम इंटर कर चुके हैं जॉर्जिया में, अभी भी फ्लोरिडा यहाँ से बहुत दूर है, सो जॉर्जिया के बाद फ्लोरिडा में इंटर करेंगे। पर यहाँ पर पाम ट्री दिखना स्टार्ट हो गया है, सो फ्लोरिडा में तो बहुत सारी पाम ट्रीज है, तो जॉर्जिया से स्टार्ट हो चुका है पाम ट्री दिखना। सीखा विजिट सवाना, सो सवाना, सो सवाना मैं वो भी जॉर्जिया वेलकम सेंटर में। सो जॉर्जिया में बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है सवाना, जो कि वर्ल्ड फेमस है सवाना। एक्चुअली मैं भी यहाँ आया नहीं हूँ कभी, लेकिन मैंने दोस्तों से सुना है और अपने फ्रेंड से सुना और यूट्यूब पर भी मैंने देखा है कि सवाना बहुत ही फेमस है। सो मैं जाना चाहता हूँ सवाना, पर मैं जा नहीं सकता बिकॉज हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, पूरा पैक ट्रिप है। सो इस ट्रिप में मैंने पूरा किया, सोचा है कि फ्लोरिडा पहले कवर कर लूँ, उसके बाद सवाना देखूँगा। सो मेरा मन है कि लास्ट डे सवाना हो लूँ, बट एक्चुअली मैंने छुट्टी ऑलरेडी ऑफिस में अप्लाई कर रखा है, सो जितनी छुट्टी मिला उतना ही मुझे करना पड़ेगा जो कर सकता हूँ मैं। बट यू कैन सी इन लोगों को छोटा सा बस सवाना को रेप्लिकेट करने की कोशिश किया है वेलकम सेंटर में। यू कैन सी द ट्रीज एंड लाइट हाउस। सो विल सी, देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इधर जॉर्जिया में आता हूँ तो मैं सवाना जरूर कवर करने की कोशिश करूँगा। Sikha, we are in Florida. Yes, very, very, very excited. I can't express. So see here, logo, Florida. Welcomes you and me too. Okay, so अभी हम फ्लोरिडा पहुँच गए हैं। It's around 20 hours. बहुत मेहनत की है आने के लिए. But actually हमें road trip का experience भी लेना था. So this is the first time जो हम इतना लंबा trip करके आए. So yeah, here it's a logo. So this is like, ये एक rest area है and it's here you can come and click on this with logo. And yes, after that हम थोड़ा डिडोना बीच जा रहे हैं and वहाँ थोड़ा सा fun करते हैं, ज़्यादा नहीं 30 minutes, right? After that हम room में check in करते हैं and yes, हमारा exact जो trip है हमारा कल से start होगा. So yes, we continue with our channel.
एक चीज़ है कि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी वहाँ बारिश भी कभी हो जाती है, इसलिए यहाँ का वेदर कभी भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ कभी अभी हमें आ रहा था कहीं धूप कहीं बारिश, कभी धूप कहीं बारिश हो रही है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पूरी बारिश शुरू हो गई है। इसलिए आप यहाँ जब भी आए तो एटलीस्ट अम्ब्रेला और रेनकोट कैरी करें, बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेड। बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं आया था, जब मैंने ओरलैंडो और यूनिवर्सल ओरलैंडो एंड डिज्नी किया था, उसमें मैं ऐसा हुआ था, मैं उस समय रेडी नहीं था, मैंने रेनकोट नहीं लाया था, मैंने अम्ब्रेला नहीं लाया था, इसलिए मुझे खरीदना पड़ा बाहर से। देख सकते हैं तेज़ी से बारिश यहाँ स्टार्ट हो गई है। एंड यहाँ पे एट द टाइम लाइक कभी भी रेनकोट परचेज करो, इसे बहुत कॉस्टली हो जाता है। हाँ, और आप यहाँ से परचेज करते हैं तो बहुत कॉस्टली मिलता है। जैसे मैं लास्ट टाइम यूनिवर्सल में था, उस समय वीडियो बनाना नहीं बनाता नहीं था मैं, इसलिए मैंने उसका वीडियो कभी पोस्ट नहीं किया। हालांकि कुछ वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं देखूंगा कहीं पोस्ट करूँगा उस वीडियो को यूनिवर्सल का। तो वहाँ से मैंने खरीदा था, बहुत कॉस्टली पड़ा था मुझे। जो चीज़ बाहर $1 में मिलता है वही वहाँ $6-$7 में मिलेगा। फ्लोरिडा, जिसे सनशाइन स्टेट भी कहते हैं, मैं हूँ अभी ओरलैंडो में और अभी सनसेट यहाँ होने लगा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मेरे लेफ्ट साइड में जो आपको वो राउंड मैरीगोल्ड दिख रहा है, वो एक्चुअली आइकन पार्क है, जो मैंने ऑलरेडी अपने फ्लोरिडा के लास्ट ट्रिप में ऑलरेडी यहाँ पे गया था और पूरा कवर किया था। वो लास्ट ट्रिप मेरा डिज्नी और यूनिवर्सल ओरलैंडो का था। तो अराउंड 12 आवर के ड्राइव के बाद मैं हूँ यहाँ होटल में, जो कि है ओरलैंडो फ्लोरिडा में। सो आज मैंने स्टार्ट किया था ट्रिप नॉर्थ कैरोलिना से, और आज मैं जो टोटल स्टेट कवर किया वो नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया एंड देन बैक यहाँ फ्लोरिडा में। सो चार स्टेट मैंने कवर किया, और ये टोटल टाइम 9.5 आवर का था, बट इसे कवर करने में मुझे टोटल 12 आवर लग गया, बिकॉज ट्रैफिक कारण। और आज का एक्चुअली ये होटल मैंने दो नाइट की, एक्चुअली एम्बुलेंस जा रही है यहाँ से, चलिए। सो एक्चुअली ये होटल मैंने टू नाइट्स के लिए बुक किया है, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा है अराउंड $55 पर नाइट विद टैक्स। एंड एक्चुअली आज तो मैं यहाँ बस नाइट स्टे कर रहा हूँ, कल एक्चुअली मैं जा रहा हूँ नासा, जो कि यहाँ से 1.5 आवर के डिस्टेंस पे है, और परसों मैं मॉर्निंग में होटल चेकआउट कर दूंगा और यहाँ से स्टार्ट करूँगा की वेस्ट के लिए, जो कि यहाँ से अराउंड 5 आवर होगा, यहाँ से मियामी टू की वेस्ट, जो कि अराउंड 5 आवर है। सो या आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। एक्चुअली मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, एंड आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एंड देन स्लीप, क्योंकि कल सुबह अराउंड 7 o'clock हमें नासा के लिए निकलना है। आज फ्लोरिडा ट्रिप का तीसरा दिन है और मैं जा रहा हूँ अभी नासा, कैनेडी स्पेस सेंटर। ये वीडियो मैं एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगा, बिकॉज जो करेंट वीडियो है उसकी साइज लंबी हो चुकी है। सो टू सी नासा वीडियो देखने के लिए आप चैनल से बने रहें, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल। मैं बहुत ही जल्दी नासा का वीडियो पोस्ट करूँगा, जब तक मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तब तक इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें।